हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी कोर्ट ने 15 दिन का जो समय मांगा था बोर्ड ने, कोर्ट ने एकदम इनकार कर दिया। अब आपका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, तो उस केस में कुछ सीट बढ़ रही हैं, तो मैं आपको, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, तो आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपी टीजीटी 2021 काला की है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फास्ट में कुल फॉर्म है आपका 78,689 है और औसत इसमें है 97, प्रतियोगी में एक सीट है, उपस्थिति 84% है, जिसमें 66,098 बच्चे उपस्थित हुए थे और अनुपस्थित थे 16%। तो नया औसत जो आता है या न्यू एवरेज जो आता है 81 का है, 81 प्रतियोगी में एक सीट कन्फर्म है। आपका पूर्णांक 125×4 है, चार नंबर मेन है, चार नंबर के जितने क्वेश्चन सही हो गए होंगे उतने ही आप रिजल्ट के पास होंगे। विषय आपका आर्ट कला है, एग्जाम डेट थी 7 अगस्त 2021 को। कुल सीटें हैं 813, जिसमें पुरुष की हैं 710, ये बॉयज की हैं, और गर्ल्स की हैं आपकी 103। ठीक, ये बालक वर्ग है, ये बालिका वर्ग है। ठीक, ऑफिशियल आंसर की थे क्या था कि आज का टीजीटी का पेपर कैसा रहा, तो आसान बोला है बच्चों ने 60%, एवरेज बोला है 20%, कठिन बोला है 12%, और ये पेपर इजी टू मॉडरेट पेपर आपका था। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूँ और इसके कुछ कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु हैं और एक सेफ, ये कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एक इसमें सेफ जोन का कॉन्सेप्ट है। सो माय डियर फ्रेंड, ये अभी की न्यूज है, ये देख लीजिए, अनुमानित कट ऑफ कला की है, देखिए ये है आपकी है 2001 यूपी टीजीटी कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एफएफ, एक्स सर्विसमैन की, बालक वर्ग, बालिका वर्ग। बालक वर्ग में अगर 95 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की चांसेज हैं। ये 104 के ये तो होने ही होना, ईडब्ल्यूएस में 93 प्लस और 103 के भी क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका हो जाएगा, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ओबीसी में 92 से लेकर 102 तक, एससी में आपका 89 से 95, एसटी में 86 से 91 है, और पीएच फिजिकल हैंडीकैप में 75 है, और फ्रीडम फाइटर में आपका 76 है, एक्स सर्विसमैन में 74 है। बालिका वर्ग में देख लीजिए 93 से 102 जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में 91 to 101 है, ओबीसी में 90 to 100 है, एससी में 84 to 93 है, एसटी में 81 to 90 है, और फिजिकल हैंडीकैप में 70 है, एक्स सर्विसमैन में 70 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। और माय डियर फ्रेंड, हम ये कहना चाह रहे थे कि 2011 या 2016 का जो क्लियर कॉन्सेप्ट था, आपको मालूम है ये सब, कि 425 का रिटर्न था, 50 का इंटरव्यू था, 25 में बीएड, एमएड और पीएचडी प्लस 5 मार्क स्पोर्ट्स के भी थे, तो अगर 75 में, अगर ये 75 में अगर 72 नंबर या 68 नंबर ले आते थे, तो 18×72 या 17×68, इट मीन्स 18 क्वेश्चन डायरेक्ट 2016 में मिल जाते थे ये 72 नंबर से, या 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन डायरेक्ट इंटरव्यू से मिल जाते थे। इन मार्क्स को मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन में चेंज कर लिया। सो 2021 में ऐसा कुछ भी नहीं है, 125×4 है, मतलब ये जो नंबर पहले मिल जाते थे वो अब डायरेक्ट चार नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, तो चार मार्क्स का क्वेश्चन आप सही कर लीजिए और फाइनल सिलेक्शन के पास पहुंचिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड, ये है इसका कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा। अब ये मेरिट है 95 प्लस है, अब सेफ जोन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि रिजल्ट में देरी हो रही थी, तो इसका मेन यही है कि सीटें कुछ में कुछ बढ़ेंगी। देखिए अब कितनी बढ़ेंगी, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही पूरा ऐड करके आपको डिसाइड करेगा। अब देखिए कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु क्या है, सीट का लगभग 2016 के मुकाबले 2021 में ज़्यादा ही हैं। ठीक, क्लियर है आपको, पेपर का लेबल 2016 से मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। तदर्थ की सीटें अभी जो जुड़ना बाकी थी, पर अभी चयन बोर्ड ने सब डिसीजन ले रहे हैं, जुड़ेंगी, आपका काम होगा। एनओसी
नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टीचर अपने घर के पास आना चाहते थे, जिससे कि ये जिनका कंप्लीट नहीं तो इससे भी सीटें आपको कुछ मिल जाएंगी। इंटरव्यू का ना होना मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था ना कि 75 में जो 72 क्वेश्चन ले आते थे, 72 नंबर ले आते थे, तो 18 क्वेश्चन जो यहाँ से ले जाते थे वो अब नहीं है। 125 में 4 नंबर क्वेश्चन करिए और आपका फाइनल सिलेक्शन होता जाएगा। तो एमएड पीएचडी स्पोर्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी कई सारी भर्तियां हो चुकी हैं, तो ये सब मिलाकर के जो कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु हैं, तो सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम होगा और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अभी एलटी ग्रेड 2016, केवीएस, एनवीएस, यूपी टीजीटी 2016 और यूपी पीजीटी 2016, 69,000 की सीटों की भर्तियां हो चुकी हैं, तो आपका इसका भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कुछ टीचर यहां चले गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अब आपका एक मैं आपको सेफ जोन का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सेफ जोन में मैं जनरल का समझा रहा हूं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एफएफ, पीएच, एक्स सर्विस मैन को आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। आपका रेडियस है, आपने पढ़ाई होगा, तो आर इक्वल टू वन, आर लेस देन वन, आर ग्रेटर देन वन, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आर लेस देन वन, जो सर्किल के अंदर ये सेफ जोन में है, ये सेफ जोन में है। तो देखिए 95 से 104 है, अगर प्लस भी करते हैं, अगर एक क्वेश्चन भी कम हो गया तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। तो आर लेस देन सेफ जोन में है, आर इक्वल टू है तो आप बॉर्डर में बैठे हुए हैं, और जैसे भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कुछ सीट बढ़ी तो आप डायरेक्ट या कुछ क्वेश्चन कम कर दिए, या आप ये समझिए, तो डायरेक्ट आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। आर ग्रेटर देन, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ से आप ये मतलब दूर है, इस रेडियस से आप बहुत दूर है, तो अगर एक दो क्वेश्चन भी कम हो गए, मेरिट एक दो क्वेश्चन भी कम चली गई, तो आप सबसे पहले वेटिंग लिस्ट, डायरेक्ट अंदर नहीं जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में आए, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, अगर चयन बोर्ड ने थोड़ी सी रहमदिली दिखाई या कुछ दिवाली गिफ्ट देने की कोशिश की, एक दो क्वेश्चन कम हो गए, तो आप बॉर्डर में आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, उसके बाद ही आपकी एंट्री होने के चांसेज हैं, तब आप सेफ जोन में हो जाएगा, ये वेटिंग लिस्ट के है। सो माय डियर फ्रेंड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसको समझिएगा। कट ऑफ प्रभावित करने वाले मैंने आपको पूरे बिंदु बता दिए हैं, ये कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु है, और मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अभी कोर्ट ने 18 तारीख को फैसला लिया है कि आप 31 अक्टूबर का तुरंत रिजल्ट निकालिए, नहीं तो फिर आपको अवमानना का आपका केस लग जाएगा। इसलिए चयन बोर्ड बहुत जल्दी काम करने जा रहा है और आपका रिजल्ट 2-4 दिन में आने ही वाला है। तो बच्चों की एक रिक्वेस्ट की, सर एक आप कटअप बनाइए कला की, तो वो मैंने बनाई है, तो सब ये है, ये कला की कटअप है। देखिए ये सेफ जोन का कॉन्सेप्ट समझाया है और ये आपकी इसकी कटअप ही आपने समझा दिया, ठीक है। सो 2021 में इंटरव्यू नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल चिंता मत करें, बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। पीजीटी में सीटें कम होती हैं, इसलिए उसकी मेरिट ज़्यादा गई थी, इसमें ज़्यादा है तो मेरिट कम आएगी। So, बस आज के लिए इतना ही। न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड लास्ट में मैं आपसे कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर द एग्जामिनेशन एंड फाइनल रिजल्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।